सो ये है हाल मौसम का एंड अब मैं पी रही हूँ चाय। सो चलो गाइस करते हैं इस पीआर बॉक्स की अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। आई डिडंट फ्राई अपलम तो हम खा रहे हैं रोस्टेड खीचिया। हाई गाइज गुड मॉर्निंग दिस इज पूजा वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे, कल वेडनेसडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, दैट्स वाई टूडे थर्सडे मेरे चैनल पे कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं आएगी। आई विल ट्राई टू अपलोड सम काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो। सो अब बज रहे हैं सुबह के 8 एंड बच्चों को स्कूल के लिए उठाना है, दे हैव ऑनलाइन स्कूल एंड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, नॉट कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ। तो दिखाती हूँ आपको क्या है आज का एजेंडा एंड क्या है मौसम का हाल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो ये है हाल मौसम का, हवा चल रही है, नॉट वेरी तेज बट हाँ हवा चल रही है काफ़ी। आई डोंट नो आप देख सकते हैं या नहीं। और बरसात हुई है एंड कंटिन्यूसली नहीं हुई है बट जब भी हुई है तेज बारिश हुई है ऑन एंड ऑफ कल रात से। यस दैट वाज द वेदर अपडेट फॉर यू ऑल। अभी फिलहाल बहुत सुहाना मौसम है, आई होप बारिश बहुत ज़्यादा तेज या कंटिन्यूस बारिश ना हो, ऐसे ऑन एंड ऑफ रहे मौसम सुहाना रहेगा। बाकी देखते हैं, इट्स प्रिडिक्टेड कि 25 से 28 स्पेशली 25-26 को काफ़ी हैवी रेनफॉल प्रिडिक्टेड है बट लेट्स सी क्या होता है। मुझे एक पीआर पैकेज आया था, आई विल शो यू दैट, कल आया था, मैंने उसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है एंड इट्स अ स्मॉल बॉक्स लेकिन मैंने उसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है। सो आई विल ओपन इट टुडे व्हाइल डूइंग द व्लॉग, आई विल शो यू गाइस कि क्या आया है, कौन से ब्रांड से है, इट्स अ स्मॉल पैकेज। सो यस फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का दिन। उठाती हूँ धीर को दोबारा, ही इज स्टिल स्लीपिंग, उठाती हूँ उसको फॉर हिज क्लास एंड विल स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन एंड ऑल्सो सी यू ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट टाइम। हे गाइज सो डन विद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हमने लिया डोसा विद चटनी एंड विपुल और परी भी आ गए थे मेरी सिस्टर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके एंड अब मैं पी रही हूँ चाय, उसके बाद लगेंगे काम पे। एंड द लेटेस्ट अपडेट इज कि आज हाउस हेल्प नहीं आ रही है, उसकी डॉटर यस आकृति इज शॉक्ड। उसके वहनी की बेटी ने फोन करके बोला अम्मक वहीर वाली अम्मा वर मटंग। सो बेसिकली इसका इस मेड का ना मैंने पैटर्न देखा है, इसका बहुत क्लियर पैटर्न होता है कि महीना शुरू होता है तब इसको छुट्टी चाहिए, महीना खत्म होने वाला होता है तब इसको छुट्टी चाहिए। सो इसने छुट्टी ले ली है आज और कल कह रही है कि कल आएगी बट आई डाउट अगर आज बारिश हुई तो कल का क्या सीन होगा, आई डोंट नो। सो फटाफट पीते हैं चाय एंड लगते हैं काम पे। सो सी यू। जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं वो न्यू मंथ बनाती है एवरी मंथ। या मंथ की बिगनिंग में छुट्टी, मंथ की एंड में छुट्टी, हाँ सैलरी लेते ही छुट्टी और सैलरी लेने से पहले छुट्टी। सो चलो गाइस सी यू आफ्टर चाय। सो चलो गाइस करते हैं इस पीआर बॉक्स की अनबॉक्सिंग। जैसा कि मैंने बताया इट्स अ छोटा सा बॉक्स जो मुझे मिला है एंड करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। सो दिस इज द मदर स्पर्श कैंपेन, ये एक नया कैंपेन है मदर स्पर्श का, देव कोलैबोरेटेड विद मी फॉर एवरी कैंपेन देव डन सोफा एंड हर बार उनका एक पीआर पैकेज आता है एंड इट यूज़ टू कम इन अ वेरी नाइस पाउच या बैग मदर स्पर्श का बट दिस टाइम देव नॉट इंक्लूडेड एनी पाउच और बैग, इट्स जस्ट बबल रैप प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। एंड इस बार जो उनका कैंपेन है वो है ऑनियन प्रोडक्ट्स का, ऑनियन रिलेटेड है प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द फोर प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड, मैं क्लोज अप में बताती हूँ आपको। सो इसमें है ऑनियन हेयर ऑयल विद रॉ ऑनियंस ऑनियंस कॉन्सेंट्रेट एंड वी ऑल नो कि अनियंस आर सो गुड फॉर योर हेयर। और इसमें है अनियन शैम्पू और इसमें है अनियन रसा, यानी कि दिस इज़ मोर लाइक अ सीरम, ये जो रसा है दिस इज़ लाइक अ सीरम जो हमें स्कैल्प पे लगाना है ऑन अ डेली बेसिस। सो दिस इज़ इट। एंड फिर नेक्स्ट है ये ऑनियन कंडीशनर,
विद रॉ अनियन। सो सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं, अनियन हेयर ऑयल तो हमने सबने बहुत सारे देखे हैं, बहुत वेरियस ब्रांड्स के आ गए हैं। अनियन शैम्पू भी आ गई है, बट दिस इज़ अ कॉम्बो ऑफ अनियन हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर एंड रसा। सो आई एम श्योर विद द डेली यूसेज या फिर वीकली थ्राइस यूसेज से इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आई एम होपिंग सो, लेट्स सी। यूज़ करके डेफिनेटली आपको फीडबैक दूंगी, मे बी इन 2-3 वीक्स, क्योंकि एटलीस्ट 15-20 दिन के यूसेज के बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स जेन्यूनली कैसे हैं, एक बार में कुछ पता नहीं चलता है। सो चलो गाइज, आई पैक एवरीथिंग एज ऑफ नाउ। पिक्चर्स लेऊंगी पहले स्टोरी के लिए एंड देन आई स्टार्ट यूजिंग इट, एंड फिर मैं आपको 2-3 वीक्स में बताती हूँ कि ओ गॉड कि हमें कैसे लगे ये प्रोडक्ट्स। वैसे तो आई हैव बीन यूजिंग मदर केयर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एंड हमको मदर स्पर्श, और हमें जेन्युइनली बहुत पसंद आए हैं इनके प्रोडक्ट्स। चलो गाइस, सी यू इन अ वाइल देन। हाय फ्रेंड्स, जस्ट अभी आई हूँ किचन से एंड आप देख सकते हैं मेरी हालत, आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी, और अभी बस थोड़ा सा साफ सफाई बाकी है, आई फिनिश दैट एंड देन हम लंच पे बैठेंगे। लंच बन चुका है, लंच इज ऑल प्रिपेयर्ड। मैंने बनाया है रसम, राइस, कूट। आकृति हैज कोल्ड, सो उसकी डिमांड थी कि रसम बनाओ, सो आई मेड रसम। अदरवाइज आई वॉन्टेड टू मेक दाल और सांबर समथिंग, बट शी सेड रसम बना दो, सो इट विल बी सूदिंग फॉर हर थ्रोट एंड नेजल। सो वो बनाया है विथ सम कूट, चना दाल एंड रिजिट गार्ड का कूट है, यानी कि तोरू या तोरी का, एंड राइस अपलम। अपलम मैंने फ्राई नहीं किया, आई एम जस्ट गोइंग टू रोस्ट इट। बस अब थोड़ी सी साफ सफाई कर दूँ झाड़ू वगैरह, ताकि उसके बाद आफ्टर लंच वी कैन जस्ट रिलैक्स। आई एम येट टू हैव माई शावर एक्चुअली, बट आई थॉट ये घर के काम निपटा के फिर आराम से नहा के आई विल रिलैक्स फॉर अ वाइल। ओ गॉड, ऐसे देखा जाए तो वेदर इज प्लेजेंट, बट वेन यू वर्क इन द किचन और वेन यू वर्क इन द हाउस यू स्वेट अ लॉट, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी हु यूजुअली स्वेट्स अ लॉट। तो बस अभी काम निपटा के मिलती हूँ आप सबसे एंड आई विल गिव यू अ स्नीक पीक ऑफ माई लंच एज वेल। क्या है खाना, नाउ वी विल डू दैट। ये है राइस, ये है कूट जो मैंने बोला, चना दाल और तोरू का तोरी, ये है रसम, ये है खींचिया, ये है मारवाड़ी पापड़। एक्चुअली आई डेंट फ्राई अपलम, तो हम खा रहे हैं रोस्टेड खींचिया। चलो गाइस, सी यू आफ्टर लंच देन। हाय गाइस, बैक ऑन ब्लॉगिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप। एक्चुअली अब बज रहे हैं रात के 10:30, कैन यू बिलीव, एंड मैं लंच के बाद सीधा अब ब्लॉग कर रही हूँ। इस बीच आफ्टर लंच हमने थोड़ा रिलैक्स किया एंड देन मैं और आकृति बैठ के उसकी बर्थडे की प्लानिंग करने बैठ गए। पहले तो नेक्स्ट मंथ, मेनी ऑफ यू नो दैट इट्स हर बर्थडे, आई हैव शेयर दिस इन माय अर्लियर व्लॉग्स कि नेक्स्ट मंथ इज़ हर बर्थडे, और उसकी बर्थडे की थोड़ी प्लानिंग करनी थी तो हम दोनों वो करने बैठ गए। उसके बाद बिकॉज वी आर येट टू डिसाइड कि घर पे पार्टी करें या बाहर जाके करें, ऑर्गेनाइज करें, वी हैवन डिसाइडेड दैट येट। और उसके बाद हमने बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स देखी बिकॉज टुमारो इज़ ब्लैक फ्राइडे, सो काफ़ी साइट्स में शॉपिंग सॉरी सेल एंड डिस्काउंट्स चल रहे हैं। सो वी सॉ दैट एंड विच आर द बेस्ट साइट्स दैट यू विल सजेस्ट परी। मैंने जहाँ तक देखा ना, आई थिंक फॉरएवर 21 पे सेल भी जम के थी एंड द प्रोडक्ट्स वर आल्सो गुड। सो फॉरएवर 21 पे बहुत अच्छी सेल है एंड नाइका पे, ओ माई गॉड, नाइका इज रनिंग ऑफर्स, यू नो इतने सारे ऑफर्स हैं, हाई एंड ब्रांड्स पे भी है, लो बजट ब्रांड्स में भी है, मीडियम रेंज में भी है, हर टाइप के ब्रांड्स में ऑफर्स चल रहे हैं, यू नो इनफैक्ट वेदर इट इज एस्टी लॉडर, मैक, बॉबी ब्राउन, हर ब्रांड पे डिस्काउंट है और लोअर वंस भी, आई मीन यू नो मीडियम रेंज के ब्रांड्स पे भी डिस्काउंट है, फेसेस पे है, कलर बार, मीन फेसेस पे तो बाय वन गेट वन ऑफर है, देर आर मेनी मेनी ऑफर्स दैट आर गोइंग ऑन एंड बट और मिंत्रा पे, इंडिविजुअल ब्रांड साइट्स में भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, बट आई पर्सनली प्रिफर टू शॉप फ्रॉम
नाइक सॉरी फ्रॉम अमेजोन, मिंत्रा और नाइका भी मेरा मतलब थर्ड चॉइस हो जाता है. आई पर्सनली प्रिफर टू शॉप क्लोथ्स फ्रॉम मिंत्रा क्योंकि उसमें रिफंड बहुत ईजिली आ जाता है. लाइक हमको कोई साइज इशू है, हमने कुछ ऑर्डर किया, साइज इशू आ गया या क्वालिटी इशू आ गया एंड वी वॉन्ट टू रिटर्न दैट और एक्सचेंज दैट, दैट हैपन्स वेरी ईजिली एफर्टलेसली इन मिंत्रा कंपेयर टू दी ब्रांड साइज. मैंने रिसेंटली बीबा से एक कुर्ता मंगवाया था जो आई डिडंट लाइक द क्वालिटी एट ऑल. आई मीन द पिक्चर डिड नॉट जस्टिस टू द प्रोडक्ट, सो मैंने वो रिटर्न किया. उसका रिफंड मेरा अभी तक बाकी है, जबकि अगर मिंत्रा होता द डे दे पिक अप दे इनिशिएट रिफंड. सो या इफ टाइम इज नॉट एन इशू विद यू देन यू कैन चेक द ब्रांड साइट्स एज वेल. फॉर एवर 21 में है, नो नॉट जारा, किस में था, जारा में भी सेल है, जारा में भी है एंड मार्क्स एंड स्पेंसर्स यू सो नो, मार्क्स एंड स्पेंसर्स में था. देर आर अ कपल ऑफ ब्रांड्स, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट हाँ. सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू शॉप दिस वीकेंड इज द बेस्ट टाइम फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑफर्स हैं. अदरवाइज यू नो देन अदरवाइज द सेल विल बी ओनली इन डिसम्बर, दैट इज ड्यूरिंग द क्रिसमस पीरियड. बट मुझे ये वाला जो पीरियड है दिस वीकेंड, ब्लैक फ्राइडे वाला वीकेंड, ये यूटिलाइज करना है टू कंप्लीट ऑल आकृति's बर्थडे शॉपिंग, ताकि अच्छा स्टफ मुझे सस्ते में मिल जाए. सो या यू कैन डू दैट टू, अदरवाइज डिसम्बर क्रिसमस सेल तो है ही अपनी. सो या दैट्स इट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर. So I might go to mall tomorrow. I will take you all along as I've done before to give sneak peek of my shopping. So bas I'll end this vlog here. That's all for it. I hope you liked watching it. And if so, please consider to subscribe my channel. And don't forget to follow me on Instagram. Madden Ladl is my account. So see you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.